आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि क्वांटिटी में 17 है, 17 SDGs हैं, हम कैसे याद करें। ठीक है, 17 के 17 SDGs आपको इस वीडियो में याद हो जाएंगे अंत तक। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देके इस स्टोरी को सुनना है। इसमें से हो सकता है आपको पूरे याद ना हो, लेकिन 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आदमी का करैक्टर लेंगे, शांति, दयाल, गांधी। ये क्या है, SDG का फुल फॉर्म है क्या? नहीं, ये हमारा करैक्टर है जिसका स्टार्टिंग SD और G से हो रहा है। ठीक है, ये हमारा करैक्टर है जिसके ऊपर एक स्टोरी चलेगी, और उस स्टोरी के बेस पे हम इसकी कहानी को, कहानी के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। आप चाहें तो इस कहानी में तड़का मिर्च मसाला लगा के अपने हिसाब से इसको ढाल सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है ऐसे कि ये कंपनी में जॉब करता था, इसको मीडियम वर्क का था। ठीक है, मध्यम वर्ग का था ये, मिडिल क्लास का। तो इसको क्या करते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। जब इसको नौकरी से निकालते हैं तो बेचारा क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। क्या हो जाता है, गरीब, पुअर। तो पुअर हो जाता है तो इससे हमारा पहला गोल बनता है, जब सबसे पहले इसको नौकरी से निकाला तो ये गरीब हुआ। ठीक है, तो हमारा पहला गोल हुआ नो पॉवर्टी। नौकरी से निकाला तो बेचारा पुअर होगा कि नहीं होगा, तो पुअर हो गया। फिर उसके बाद आता है दूसरा गोल। दूसरे दिन क्या हुआ, पहले दिन तो ये पुअर हो गया, अगले दिन पुअर हुआ तो पैसे नहीं खाने के लिए, तो फिर क्या हुआ, भूख लगी, हंगर। हंगर को क्या कहते हैं, भूख प्यास। तो इनको बहुत भूख लगी, तो हमारा सेकंड गोल हुआ जीरो हंगर। पहले दिन पुअर हुआ, दूसरे दिन हंगरी हुआ, भूखा हुआ। तीसरे नंबर, जब इनको खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो फिर क्या होगा, हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, और हेल्थ पे इफेक्ट होगा तो हमारा तीसरा गोल क्या बना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तीसरे दिन इनकी तबीयत वबीयत भी ख़राब होने लग गई, इनके पैसे नहीं थे ना, तो पहले दिन गरीब नौकरी से निकलने के बाद, दूसरे दिन भूखा हो गया, तीसरे दिन इसके हेल्थ में प्रॉब्लम आने लग गई, इनकी फैमिली की हेल्थ पे इफेक्ट होने लग गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद इन पे क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन के पास इतने पैसे नहीं थे तो इसको अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ा कि कुछ पैसे हम एजुकेशन पे जो बच्चे खर्च कर रहे हैं उसको हम अपने वेलबिंग में लगा सकते हैं। मीन्स बच्चों को स्कूल से निकलवा के उस पैसे को यूटिलाइज करके हम अपनी गरीबी, भूख और थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दें। तो क्या करते हैं, अपने बच्चे में से क्वालिटी एजुकेशन के बारे में ये लोग सोचते हैं कि उनको स्कूल से निकाला जाए। तो एजुकेशन आपको याद रहेगा इससे कि चौथे दिन इन्होंने सोचा कि बच्चे के एजुकेशन से हटा के, यहाँ पे हालांकि प्रोवाइड करना होता है SDG, लेकिन हम इस स्टोरी के माध्यम से ये जानेंगे कि एजुकेशन के बारे में बात हुई है फोर्थ SDG में। तो क्वालिटी एजुकेशन जो कि फोर्थ SDG है, तो उसके बारे में सोचते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेशन से हटा देते हैं। ठीक है, और फिफ्थ गोल में क्या सोचते हैं, फिफ्थ दिन। ठीक है, फिफ्थ दिन क्या सोचते हैं, फिफ्थ दिन ये सोचते हैं कि बच्चों को तो निकाल देंगे लेकिन एक बच्चे को पढ़ने देते हैं। किसको पढ़ने देंगे, बेटे को, सन को, और बेटी को ही निकाल देते हैं स्कूल से। ठीक है, बेटी को हम निकाल देते हैं स्कूल से और बेटे को पढ़ने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बच्चों में अपने जेंडर इनइक्वालिटी की। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इतने गरीब थे, सोचा कि जो बेटी को पढ़ा रहे उस पैसे को यूटिलाइज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, घर का राशन पानी ये सब में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी की। तो फिफ्थ गोल बात करता है जेंडर इनइक्वालिटी की SDG की। सिक्स्थ दिन, इतनी गरीबी छाई हुई थी, क्या करते, तो सरकार ने क्या किया, जो बिजली या पानी डिपार्टमेंट होता है उसने इनका वाटर का कनेक्शन ही काट दिया, और जो साफ़ सफाई करने आता था कचरा उठाने वाला MCD वाला, वो भी नहीं आया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले। तो सिक्स्थ गोल, छठे दिन से इनका क्या हुआ, पानी भी बंद कर दिया। तो सिक्स्थ गोल बात करता है हमारी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। मीन्स पानी बंद कर दिया और जो कचरा उठाने आता था घर में वो भी नहीं आया छठे दिन से।
और सातवें दिन तो हद कर दी। सातवें दिन क्या हद हुई, इनका बिजली बंद कर दिया। सातवें दिन गरीबी जा तो जब आती है तो मुसीबतों का क्या होता है, पहाड़ टूटने पड़ता है, तो बिजली बंद कर दी। तो हमारा जो सेवंथ गोल किसके बारे में बात करता है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की। आप डे वाइज इसको याद कर सकते हैं कि इस पे क्या क्या बीती है, वही आपका गोल हो जाएगा। ठीक है, एसडीजी 7 की बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की। 6 बात करता है वाटर की, जब पानी इसका बंद कर दिया तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। 5th करता है बेटे बेटी की भेदभाव, तो जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती है। और 4th जब इनको एजुकेशन के बारे में सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, तो उनका उसमें से एक बच्चों को हम निकाल देते हैं स्कूल से, तो एजुकेशन की बात हो रही है 4th में। पहले के 3 और 7 तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस कहानी में कुछ और भी चेंजेस करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, 7 गोल पढ़ लिया हमने। 8वें दिन क्या होता है ना, ये लोग जाते हैं सरकार के पास, गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि हमें काम दो, डिसेंट वर्क दो, ठीक है, ताकि हमारी क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, हम बहुत गरीब हो गए। तो 8th गोल बात करता है, जब ये लोग सरकार के पास जाते हैं बात करने कि हमें डिसेंट वर्क दिया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ जिससे हमारी हो सके। ठीक है, ये जाते हैं सरकार के पास, तो ये 8th गोल है हमारा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वें दिन क्या करती है, सरकार इनकी बात मान लेती है। ठीक है, तो ये क्या करती, जो इंडस्ट्रीज खोल देती है और जो इनोवेटिव लोग हैं इनोवेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोगों को इनवाइट करती है कि हाँ भैया बहुत गरीबी छा गई, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। कुछ जो इनोवेटिव लोग हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंटरेस्टेड हैं लोग डेवलप करने में, वो लोग इन इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, शांति दयाल गांधी जो हमारा बंदा है, और ऐसे बहुत से लोग थे जो जिनकी रिसेशन में नौकरियां गई थी, तो वो सब क्या करते हैं, जाते हैं कहाँ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के पास जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बहुत इनइक्वालिटी हो रही है। क्या हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, इनइक्वालिटी इन द सेंस कैसे, जो एचआर के आसपास के लोग थे वो उन्हीं को नौकरी रख रहा था, जो उसके रिश्तेदार हैं उन्हीं को नौकरी पे रख रहा था, मींस योग्यता बस नहीं रख रहा था कि जो उसके लायक है नौकरी के उसके लिए नहीं रख रहा था। तो ये क्या करते, फिर सरकार के पास जाते, बोलते कि बहुत इनइक्वालिटी कर रहे इंडस्ट्री वाले, तो एचआर डिपार्टमेंट नौकरी पे नहीं रख रहा हम लोगों को। तो हमारा जो 10th गोल बात करता है किसके बारे में बात करता है, इनइक्वालिटी के बारे में। तो सरकार उनकी बात को ध्यान रखती है और इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है 10वें दिन। तो ये हमारा 10th गोल है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। 10वें दिन सरकार उनकी बात करती मान लेती है और इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है और इनको नौकरी पर रख लिया जाता है। अब इनको नौकरी पर तो रख लिया, 11वें दिन एक चेंजेस आता है, इनको जब नौकरी मिल जाती है तो 11वें दिन हमें देखने को मिलता है कि सिटीज़ जो है सस्टेनेबल हो गई हैं, सिटीज़ सस्टेनेबल सिटीज़ बन गई हैं, सब लोगों को अच्छी खासी नौकरी मिल गई योग्यता के हिसाब से, और कम्युनिटीज़ में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, मीन्स कम्युनिटीज़ भी अच्छी डेवलप हुई और सस्टेनेबल सिटीज़ भी बनी। ठीक है, वो हमारा 11वां गोल था, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 11वें दिन आप सोचेंगे इतनी जल्दी जल्दी डे वाइज इतने जल्दी कैसे हो रहा है, तो ये बस याद करने का तरीका है, आप जैसे चाहे याद कर सकते हैं। मैंने डे वाइज याद कर ली कि इस दिन वो इधर गया, उस दिन उधर गया, इस दिन सरकार ने ये काम किया, तो आप इसको सीक्वेंसली याद कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल सिटीज़ बनी, कम्युनिटीज़ बनी, तो उससे क्या हुआ, लोगों में क्या आया, एक वो सिविलाइज हुए, वो सिविलाइज होने से क्या होता है, लोग कंजम्पशन क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबली करते हैं, खपत करेंगे रेस्पॉन्सिबली। ये नहीं कि चावल ले लिया थाली में भर के शादी में गए खाने तो प्लेट भर के ले लिया और बाकी फेंक दिया, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करने लगे और प्रोडक्शन करने लगे। प्रोडक्शन आप चाहे तो इसको एग्रीकल्चरल फील्ड में ही मान सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें
दूसरे में, जब रेस्पॉन्सिबली कंजप्शन और प्रोडक्शन इन्होंने किया तो इससे किस पे असर पड़ा? हमारे क्लाइमेट पे। क्लाइमेट पे कैसे? आप जब वेस्टेज कम करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, ठीक है, तो उससे क्लाइमेट पे बहुत असर पड़ता है। ठीक, जैसे कि आप चावल जितना खाना उतना लिया, बाकी फेंका नहीं, और बाकी हमने प्रोड्यूस किया, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, तो इससे हमारे क्या क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। तो क्लाइमेटिक एक्शन इस पर पड़ा और हमारे क्लाइमेट का डेवलपमेंट हुआ। तो हमारा 13th गोल क्या बात करता है? क्लाइमेटिक एक्शन की बात करता है। ठीक है, जब इतना सब कुछ हो गया तो इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। किसके? शांति, दयाल, गांधी और उस जैसे बहुत से लोगों में चेंजेस आने लगे। क्या चेंजेस आए? इनकी इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ी। पहले ये लोग क्या थे? सिर्फ अनाज चावल पे रहते थे। अब ये लोग क्या कर सकते थे? मछली खा सकते थे, लाइव बिलो वाटर। मछली बहुत महंगी आती है तो इसलिए ये लोग क्या करने लगे? मछली वछली भी खाने लगे जो इनके अफोर्डेबल नहीं थे। झींगा मछली जो कि बहुत महंगी आती है, तो ये लाइव बिलो वाटर भी खाने लगे। इनका इतना स्टेटस डेवलप हो गया शांति दयाल गांधी का। ठीक, उसके बाद ये 15वें दिन क्या किए? या तो 14वें दिन इन्होंने मछली केकड़े खाए आराम से, क्योंकि पैसे आने लगे भाई, इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए, इतना अच्छी इनकी स्टेटस बढ़ गया। और 15वें दिन क्या हुआ? ये खाने लगे मुर्गी, बकरी। तो ये क्या है? मुर्गी और बकरी कहाँ पे होते हैं? अबव होते हैं, लाइफ अबव वाटर। मीन्स इनका इतना स्टेटस डेवलप हो गया कि ये तो 14वें दिन इन्होंने मछली खाई और 15वें दिन बकरी और मछली भी खाने, ये मुर्गे भी खाने लग गए। तो इनका देखो कितना डेवलपमेंट हुआ। आप इनका सीरीज से शुरू करो, पहले बेचारे को नौकरी नहीं थी तो क्या हुआ? ये पुअर बन गया। ठीक है, पुअर बनने से ये क्या हुआ? हंगरी हुए, भूखे हुए। भूखे होने की वजह से क्या इनके हेल्थ में बहुत अफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग 3rd गोल। 4th कितना हुआ? एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में फिर इन्होंने सोचा कि बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। एजुकेशन के बारे में सोचा कि हम पैसे बचाते हैं बच्चों को स्कूल से निकाल के। और 5th में क्या इन्होंने भेदभाव किया, बेटे को तो पढ़ने दिया, बेटी को स्कूल से निकाल दिया। और 6th गोल में, 6th दिन क्या हुआ इनके साथ? पानी के सप्लाई बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, पैसे नहीं दे पा रहे थे बिजली का। 7वें दिन बिजली बंद हो गई। ठीक है, 8वें दिन क्या करते हैं ये लोग? जाते हैं गवर्नमेंट के पास, बोलते हैं कि हमें डिसेंट वर्क दो भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी करनी है, तो इसके लिए ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं। गवर्नमेंट बात मान लेती है। 9वें दिन इंडस्ट्रीज, इनोवेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोगों को बोलती क्या हो करो। 10वें दिन जब ये लोग जाते हैं अप्लाई करने के लिए जॉब में, तो ये देखते काफ़ी इनक्वालिटी हो रही है। ठीक है, सरकार को बोलते भाई इनक्वालिटी हो रही है, HR वाला जो है क्या कर रहा है? अपने ही बंदों को, वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे रख रहा है, हम लोग को नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10वें गोल में बात कर रहे हैं रिड्यूस इनक्वालिटी की, जहाँ पे सरकार हटा देती है रिड्यूस इनक्वालिटी और सबको काम करने का मौका मिलता है। जब इन लोगों को काम करने का मौका मिला तो 11वें दिन क्या हुआ? जब लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा तो लोगों में सद्बुद्धि आई, सिविलाइज्ड हुए। 11वें दिन से सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ डेवलप हुई, एक अच्छा समाज का निर्माण हुआ। और 12वें दिन जब ये लोग इतना समझदार हो गए तो कंजम्पशन जो था रेस्पॉन्सिबली करने लगे, प्रोडक्शन भी रेस्पॉन्सिबली करने लगे। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे, कंजम्पशन कम करने लगे, पेड़ पौधे भी लगाए, इतना समझदार हो गए। तो 13th जो क्या वो क्लाइमेटिक एक्शन हुआ, मीन्स हमारे जो क्लाइमेट है उसमें एक सुधार आया। पेड़ पौधे ज़्यादा लगे, कंजम्पशन कम हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा किया, तो उससे क्लाइमेट पे भी असर पड़ा और क्लाइमेट भी सुधरा। 14वें दिन से इन लोगों के पास अच्छा से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तो इन्होंने क्या खाया? मछली खाई, लाइव बिलो वाटर खाया। ठीक है, लाइव बिलो वाटर क्या? मछली खाए, केकड़े खाए, झींगा मछली खाया। और 15वें दिन पार्टी की, मुर्गे की, बकरी का मटन खाया। तो ये क्या था? लाइव अबव वाटर नहीं है, सॉरी, लाइफ अबव लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, सॉरी ये गलत है, लाइफ ऑन लैंड। क्या खाया? लाइफ ऑन लैंड। ये मुर्गे बकरी क्या है? लाइफ ऑन लैंड है। ठीक, अब हम बात करते हैं 16th गोल की। 15वें दिन तक तो इन्होंने क्या किया? 15वें दिन इन्होंने मुर्गा और बकरी खा लिया। 16वें दिन क्या हुआ? जब इतना ये सब हुआ तो क्या हुआ, एक समाज में सबको जब नौकरी मिली तो पीस और जस्टिस की स्थापना हुई, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। जब इतना कुछ हुआ
जब शांति दयाल गांधी जैसे लोगों को जब नौकरी मिलेगी और उनको खाने पीने को मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, तो क्या होगा? पीस होगा, जस्टिस फैलेगा, है ना, गरीबी हटेगी। इस तरीके से 16वां गोल है हमारा पीस और जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पे है। और 17वां गोल क्या है? इस कहानी का मॉरल है। मॉरल क्या है? पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? पीस और जस्टिस की स्थापना तो हुई 16वें गोल में, और 17वें से हमारी इस कहानी का अंत होता है, जिसमें हम ये देखते हैं गवर्नमेंट और शांति दयाल गांधी जैसे लोगों ने मिलके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और एक पीस और जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। ठीक है, तो हम लास्ट में देखते हैं कि पार्टनरशिप में हुआ ये काम, अकेले गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये गांधी जी जो थे इन्होंने मिलके गवर्नमेंट के साथ मिलके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प की, क्लाइमेटिक एक्शंस चेंज किए, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस किया, ठीक है, इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के पास गए, ठीक है 10वें गोल में। तो इस तरीके से हमारी SDG की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। आपको ये मैंने ये तरीका बताया कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप कहानी में कुछ भी चेंज कर सकते हैं और आपको ये 17 के 17 गोल याद हो जाएंगे। मेरे को भी याद हो चुके हैं, ठीक है, और मेरे को ये 15-20 मिनट में याद हो गए, तो बस मैंने उसी दिन जिस दिन याद करना था एक स्टोरी बनाई और याद कर लिया। आप इसमें तड़का लगाइए, मसाला लगाइए, कुछ मैं आपको बस एक राह दिखा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।